वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई आज है सैटरडे नाइट और अभी क्या टाइम हो रहा है, 11 बज गए हैं और मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि सैटरडे हो और हम कहीं बाहर निकल के कुछ खाए नहीं ना, तो पता नहीं लगता है कि वीकेंड आया था या ऑफिस की कोई छुट्टी हुई थी, बिल्कुल नहीं पता लगता, बिल्कुल खाली खाली सा लगता है। तो ये है कि अभी तक का प्लान आई होप का है और हम शायद इस पे कायम भी रहें। तो जब पहुंचते हैं तब मिलते हैं और फिर बात करते हैं। और यहाँ हम सर्विस लेन पे थे और कोई थे उन्होंने जो है यार वो गाड़ी अपनी गलत रिवर्स कर रहे थे, जिनकी वजह से हमारे पीछे काफ़ी ट्रैफिक जो है ना वो हो गया था। शुक्र है हम आगे थे, ट्रैफिक में फंसे नहीं, निकल गए उस चीज़ से। खैर उसके बाद जो है हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए आई होप। और ये जो है अभी हम आपको बताएंगे कि था कैसा। अच्छा जी, मैं अगर किसी रेस्टोरेंट जाती हूँ या किसी भी जगह जाती हूँ तो दो चीज़ें देखती हूँ कि एम्बियंस कैसा है, दूसरा ये देखती हूँ कि वहाँ साफ़ सफाई का कितना ख्याल रखा जा रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे अच्छी थी, मुझे तो इनका एम्बियंस बहुत अच्छा लगा। मैं बैठी हुई थी, मैंने सोचा क्यों ना जाके मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो यहाँ पर भी मैंने देखा कि किस तरीके से जो है ना वो हाथ के हाथ ये लोग फ्लोर क्लीन कर रहे थे और ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, कि ये नहीं होना चाहिए कि कस्टमर्स जब आएंगे फिर वो एक बार सफाई हो गई फिर बाद में होगी। तो पर आ गई है हमारी मोज़रेला स्टिक्स और अच्छा जी ये मोज़रेला स्टिक्स हैं और इसके साथ दिया है एक अदर डिप और डिप को टेस्ट करते हैं। ऐसी टेस्ट करके देख लेते हैं इधर से और ये है हमारी स्टिक। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस ना, चीज़ कैसे निकल के बाहर आई है। अभी मैं आपको इसको ब्रेक करके दिखाती हूँ। क्या चीज़ मेल्ट हो गया यार, ये खाऊंगी अब मैं इसको, इस पर रोल करूँगी देखें गाइस खाने के लिए। चलो भाई ये मशरूम मिल जाए, ठीक है जी। मोज़रेला चीज़ स्टिक्स की बात की जाए तो वो जैसे मतलब नॉर्मली होती हैं चीज़ स्टिक फ्राई होती है वैसी हुई भी थी, और उसके डिप की अगर हम बात करें तो यार डिप में जो है वो मिक्स्ड हर्ब्स थे और उसका टेस्ट जो है ना थोड़ा सा सावर था। उसके अलावा ये है क्लासिक बीफ बर्गर और इस बर्गर की पैटी जो है ना ये बहुत डिफरेंट थी, आई गेस ये इम्पोर्ट की हुई थी। और इनका जो क्लासिक बीफ बर्गर है ये हाईली रिकमेंडेड है, आप ये जाएं तो इसको लाजमी ट्राई करें। बर्गर्स की सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि यार ये ना मतलब खा के जो एक भारी भारी पंसा हो जाता है ना या सॉस गिरने लगता है हाथ ख़राब हो जाते हैं वो चीज़ नहीं हो रही थी। मशरूम मेल्ट बर्गर में थोड़ा सा ये हुआ कि इन्होंने मेन्यू में लिखा था लोडेड विद लेट्यूस एंड क्या क्या शामिल होती है इसमें, रेड अनियन एंड टोमेटो, लेकिन ऑथेंटिक तो यही है जैसे पहले आया था। सेकंड वाला मैंने कहा कि जैसा लिखा हुआ है वैसे ला के दें, तो उन्होंने ठीक है मुझे वैसे ही ला गया था, बट स्टिल इन्होंने मुझे लेट्यूस की जगह ला दिया सलाद का पत्ता।
खैर इसके साथ टेस्ट पर सही लग रहा था। हाँ अगर जो ऑथेंटिक है मैं उस तरीके से खाती तो अच्छा लगता। और एक चीज़ मैं बता दूँ, मुझे क्लासिक बीफ बर्गर की पैटी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट लगी, ज़्यादा अच्छी लगी कंपैरेटिवली मशरूम मेल्ट के। और यहाँ पर मैंने इनको टैग कर दिया था अपने इंस्टाग्राम पर, सो इन्होंने हमें जो है वो फ्री पैनकेक्स दिए। और पैनकेक्स जो हैं वो मैं बताऊँगी कैसे थे, लेकिन ये उन्होंने कहा था कि वहीं पे खा लें, हमने बोला नहीं नहीं हमें पार्सल दे दें, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि किस तरह के थे। तो यहाँ पे बात कर ली है कि साफ़ सफाई का ख्याल था, खाना कैसा था, बंस कैसे थे, पैटी कैसी थी। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि इनकी सर्विस जो है ना वो भी बहुत अच्छी थी, बेहतरीन सर्विस थी। और यहाँ पे हम जो हैं वो निकल गए थे घर के लिए, लेकिन फिर प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया। तो गाइस क्योंकि आ गई हैं गर्मियाँ कराची में इस वक्त, और इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई मुझे खानी है आइसक्रीम, जिसके लिए वो मुझे लेकर आ गए बास्किन रॉबिंस। मैं तो जो खाती हूँ वो ही लाऊंगी, चॉकलेट। ये कोई नहीं खाता, मैं बहुत शौक से खाती हूँ, वैसे हो नहीं सकता कि ये कोई नहीं खाता, कोई ना कोई खाता है तभी तो ये बनी है, कुछ जैसे लोग ये खाते हैं लेकिन बिलीव मी गाइस ये इतनी मज़े की होती है कि मिंट चॉकलेट चिपका जो है ना, क्या जायका आता है, कैसे बताऊँ थोड़ा सा लाइक मुझे तो कुछ पान पान जैसा भी फील हो रहा होता है, बट बहुत मज़े का लगता है। ट्राई करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैंने कह दिया कि ये पान जैसा जायका है नहीं, पान जैसा जायका नहीं है। हाँ अगर किसी ने पान वाली वो कैंडी खाई होगी बचपन में या अभी, तो थोड़ा सा टेस्ट जो है ना वो उससे मिलता जुलता है इस मिंट चॉकलेट चिप आइसक्रीम का। और यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर आपने इनके फ्लेवर्स ट्राई करने हैं और फिर चूज़ करनी है तो ये आपको ट्राई करवाते हैं, तो आप ट्राई करके इनकी आइसक्रीम ले सकते हैं। हाँ थोड़ी सी प्राइसी है, लेकिन ये है कि चलो कभी कभी तो चलता है, कौन सा रोज़ खाना होता है आइसक्रीम को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो अब मैं करने जा रही हूँ व्लॉग का एंड, और मैं और मेरे मियाँ आइसक्रीम को मज़े से इंजॉय कर रहे हैं, आने वाली गर्मियों की पहली आइसक्रीम हम खा रहे हैं। आप लोग मेरे चैनल को अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो है वो लाइक का बटन भी दबा दें और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।